मीरा बाई केवल एक नाम नहीं है, उनकी भक्ति तरंग आस्था और श्रद्धा की गरिमा है। मीरा बाई का जन्म सन 1504 विक्रमी में मेड़ता में राजा रतन सिंह के घर पर हुआ। मीरा जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री थी। राजपुताना जाति में जन्मी मीरा बाई का घर से बाहर जाने पर कठोर प्रतिबंध हुआ करता था, लेकिन बचपन में मीरा के साथ ऐसी घटना हुई जिसके बाद वह श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गई। जब मीरा बाई 8 साल की थी, तब मोहल्ले में एक बारात को आता देख मीरा बाई ने अपनी माँ से पूछा कि मेरा दुल्हा कौन होगा। उनकी माँ ने मीरा बाई की बाल जिज्ञासा को शांत करने के लिए कह दिया कि तेरे पति श्री कृष्ण है। इस घटना के बाद से ही मीरा बाई ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया और उनकी भक्ति में लीन हो गई। वह श्री कृष्ण की मूर्ति को नहलाती, नए वस्त्र पहनाती, भोजन का भोग लगाती, गीत गाती और नाच करती थी। किशोरावस्था में मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी थी। इसीलिए तो मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर हमेशा गाया करती थी। मीरा का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए। शादी के पहले ही दिन मीरा ने अपने पति से कह दिया, उसके पति केवल श्री कृष्ण है, लेकिन महाराणा कुंभ को मीरा की ये बात केवल परिहास लगी। हालांकि धीरे धीरे श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति देख उन्हें भी विश्वास हो गया कि मीरा श्री कृष्ण की दीवानी है। मीरा शादी के बाद भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी। वह मंदिर जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नाचती गाती और भजन करती थी। मीरा के इन कार्यों से उनके ससुराल वाले गुस्सा होने लगे थे। कुछ समय बाद मीरा के पति की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई। पति की मृत्यु के बाद जब ससुराल वालों ने मीरा को सती होने के लिए कहा, तो मीरा बोली, मेरे पति तो केवल श्री कृष्ण है। मीरा पति की मृत्यु के बाद भी मंदिर जाने लगी और भजन गीत गाकर नाचने लगी। इस पर उसके ससुराल वालों ने मीरा पर व्यभिचारिणी होने का आरोप लगाकर भरी सभा में मीरा को विष का प्याला देकर पीने को कहा। मीरा भी श्री कृष्ण का नाम लेते विष का प्याला पी गई। सबको लगा कि अब मीरा जीवित नहीं बचेगी, लेकिन विष का प्याला मीरा के लिए अमृत बन गया। श्री कृष्ण की कृपा से मीरा पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ससुराल में कई यातनाएं सहने के बाद जब यातनाएं बर्दाश्त के बाहर हो गई, तो मीरा महल छोड़कर कई जगह तीर्थ करते हुए वृंदावन पहुंची। इधर मीरा के महल छोड़कर चले जाने से राजा में उपद्रव होने लगे। ब्राह्मणों ने कहा कि यदि मीरा वापस लौट आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मीरा की खोज के लिए 2 सैनिक भी भेजे गए थे। उन्होंने मीरा को साथ लौटने की विनती की, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। सैनिक बोले, यदि आप हमारे साथ जीवित नहीं लौटी तो हम भी वापस नहीं लौटेंगे। हमारे परिवार के बारे में सोचिए। मीरा ने सैनिकों से कहा, यदि मैं तुम्हारे आने से पहले ही संसार छोड़ गई होती तो क्या तुम खाली हाथ वापस लौट जाते? सिपाही बोले, तब तो लौटना ही होता। इतना सुनते ही मीरा ने एक तार वाला यंत्र, एक तारा उठा लिया और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। मीरा की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और उसी समय मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।